साउंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। आज मैं उससे वन डिजिट एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो कि क्लास में इसकी प्रैक्टिस हो करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेटे क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूं। अच्छा सर, हम क्लास में 1+1, 2+2, 2+3 इस तरह क्वेश्चन हल करते थे ना। ये देखो, ये क्या लिखा है क्वेश्चन मैंने, टू, ये देखो नजर आ रहा है, ये क्या लिखा है मैंने, बोलो बोलो बेटा, टू टू, आगे क्या निशान क्या है, साइन क्या है, प्लस टू, ठीक है, टू प्लस टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमने काउंट करना है, जमा करना है, ठीक है। तो टू की कितने लाइन लगेगी, ये देखो सर, इधर देखो, टू की कितने लाने, टू मेरे देख लो, वेरी गुड, वन और टू, लगाओ शाबाश। नजर आ रही मैंने कितनी लाइन लगाई, ऊपर वाले टू की टू लाइन लगाई, वेरी गुड। अब नीचे वाले टू की कितनी लाइन लगेगी, टू, बोलो सर, टू। अच्छा अब बेटा इन इन लाइनों को गिन लो, वन, ये देखो मेरी तरफ देखो, वन टू, नजर आ रहा है, ये थ्री, ये फोर, लास्ट में क्या जवाब आया, काउंट करो, आप काउंट करो पहले, लिखो शाबाश, जवाब क्या आया, फोर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये इसके ऊपर ऐसे काउंटिंग भी लिख लो, छोटी छोटी ना काउंटिंग लिख लो लाइनों के ऊपर, ये देखें, ये देखो ये लाइनें जो लगाई है ना, वन टू थ्री फोर, ऐसे काउंटिंग लिखी है मैंने ऊपर, नजर आ रही है ये आप, हाँ ये लिख लो, जैसे काउंट किए ना उसके ऊपर काउंटिंग लिखते भी जाओ साथ साथ, वन टू, नीचे अब जाओ, हाँ टू लिख लिया, अब थ्री, चलो भाई इस थ्री, हाँ ठीक है आप ही सही बता रही है, थ्री थ्री, थोड़ा सा ऊपर लिखो थ्री, शाबाश, अगले फोर, थ्री के बाद अगला फोर, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट में जो फोर आया ये आंसर भी फोर है, ठीक है ठीक है ठीक है सर, इस तरह से सवाल आसानी से हल हो जाते। अब अगला सवाल हल करें, अगला सवाल आप ही ने भी आपको लिख के दिया है, मैंने वर्कशीट बनाई है, टू प्लस थ्री, पेज फोल्ड करो, टू प्लस थ्री। अच्छा सर बैठे, आप नजर आ रहे हैं सवाल मेरी वर्कशीट, ये ऊपर क्या लिखा है, टू नजर आ रहा है, हाँ जी, नीचे क्या है, प्लस थ्री, थ्री। अच्छा टू, टू की कितनी लाइन लगेगी, टू, लगाओ टू की टू लाइन लगाओ पहले, शाबाश मैंने लगा ली है, और थ्री की कितनी लाइन लगनी है, वन टू थ्री, चले अब इनको काउंट करो, लाइनों को काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, वेरी गुड वेरी गुड। ये जवाब है मैं भी काउंट कर लूं, वन टू थ्री फोर फाइव, लाइनों के ऊपर काउंटिंग भी लिख लो जैसे पहले लिखी थी ना आप ही, लिखवाई आप ही ने आपको, ये देखो जितनी लाइनें हैं वो काउंट कर लो, छोटा छोटा काउंट कर लो, खुली खुली लाइन लगाया करो फिर आसानी से हो जाता है। ये देखो मैंने काउंटिंग लिखी लाइनों के ऊपर, ऊपर देखो मेरी तरफ देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है जवाब क्या आया, फाइव। हाँ
चलो लिख ले लिखते फोर फाइव फाइव वाली लाइन। अब देखो ना स्पेस वो खुली जगह नहीं थी लगाई लाइने, तो फाइव वाली लाइन जो रह गई है चलो नीचे लिख दो। अब आप ही आपकी प्रैक्टिस करवा देंगी हूँ सर। चले आपको आइडिया तो हो गया ना। अब बेटे लाइनें खुली लगानी है, कापी दिखाओ, कापी दिखाओ, कापी दिखाओ ऐसे जो सवाल हल किए वो दिखाओ सर। अच्छा शाबाश, वन टू थ्री फोर, वन टू प्लस टू फोर। दूसरा सवाल दिखाइएगा, वन टू थ्री फोर फाइव। ये बेटा निमरा बेटे इसे कहना ये लाइनें जरा खुली खुली लिखेगा ना फिर काउंटिंग सही लिखी जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करानी है इसको दोबारा। असर 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 मेरी बात सुनो, ये आपने इसकी और सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपके पास बैठ के, ठीक है। इधर देखो असर, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर, जैसे क्लास में मैं करवाता था, याद है ना, ठीक है। आप ही पास बैठ के, आप ही पास बैठ के प्रैक्टिस करनी है सीरियस होकर, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, ठीक है।